दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीआरपीसी के और ये हर एग्जाम में आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप दोस्तों आपको वीडियो ये पूरी वीडियो आपको देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 और काफ़ी और क्वेश्चन कवर करें, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, स्टडी 16 का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको कमेंट करना है किसी टाइप के क्वेश्चन, एविडेंस के, कॉन्ट्रैक्ट के, TPA के, MPLRC के, एकोमोडेशन के देखे जाएँ कि नहीं देखे जाएँ, राइट। तो सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी दोस्तों प्रोसीजरल लॉ है। सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। दो टाइप के लॉ होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी है, एविडेंस है आपका, और CPC है, ये सब आपके प्रोसीजरल लॉ हैं। जबकि सब्सटेंटिव लॉ में जैसे IPC है, TPA है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब आपके सब्सटेंटिव लॉ हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है। 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति ने साइन की ये सहमति दी और 1 अप्रैल 1974 से CRPC लागू है। CRPC में दोस्तों 37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 इसमें शेड्यूल्स हैं, यानी 2 अनुसूचियां हैं। जिस प्रकार संविधान में 12 अनुसूची हैं, उसी प्रकार इसमें 2 अनुसूचियां हैं और जो शेड्यूल 1 है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जो CRPC की फर्स्ट शेड्यूल है। इसके अलावा इससे पहले की CRPC कौन सी थी? तो 1898 वाली CRPC चलती थी और CRPC सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पर बेस्ड है, यानी ये इस पर बेस्ड हो। आपने एक आर्टिकल पढ़ा हुआ आर्टिकल 50, वो भी इससे रिलेटेड है। इसके अलावा जो दोस्तों CRPC है ये कंकरेंट लिस्ट में है। संविधान की आप पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची, तो उसमें 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन इनसे आता है कि यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं, तो कंकरेंट लिस्ट में CRPC आती है, यानी इसमें राज्य सरकार और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी डिफाइंड यानी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लॉज से एक क्वेश्चन आता है, अगर आपके लिए CRPC आ रही है, आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से पढ़ना है। आपसे पूछ लेंगे विक्टिम को कहाँ बताया गया है CRPC में, वारंट मामला कहाँ बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन को कहाँ बताया गया है और दोस्तों जुडिशियल प्रोसीडिंग को कहाँ बताया गया है। और डायरेक्ट पूछ लेते हैं न्यायिक कार्रवाई का मतलब क्या है, तो एक क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो विक्टिम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2WA में। विक्टिम को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2WA में। विक्टिम पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टिम में जो अमेंडमेंट हुआ था ये कब हुआ था, विक्टिम कब जोड़ा गया CRPC में। इसके अलावा वारंट मामला कहाँ डिफाइन है? 2X में। इन्वेस्टिगेशन 2H में और जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्रवाई 2A 2I में। तो क्वेश्चन आता है वारंट मामले क्या हैं? दोस्तों समन मामला होता है और वारंट मामला, वारंट मामला वो होते हैं जो आपके मृत्युदंड से हों या आजीवन कारावास से या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से, तो वो मामले होते हैं वारंट मामले, और जो मामले वारंट मामले नहीं हैं वो समन मामले होते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। अभी हम लोग फास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अभी हम लोग इनको डिटेल में नहीं देखेंगे, बाकी नहीं तो क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। न्यायिक कार्रवाई जनरली वो होती है जहाँ पर साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन, यानी CRPC में जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में वो कब से लागू हुआ? देखिए जो अमेंडमेंट होते हैं CRPC में 2005 का हो, 9, 13 जब के भी हो, 18 के, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं कि ये अमेंडमेंट कब से लागू हुए। तो एक क्वेश्चन आपसे, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट का आ सकता है। तो CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन 23 जून 2006, यानी 23 जून 2006 से ये आपका अमेंडमेंट लागू हुआ। पूछ लेते हैं कि प्ली बार्गेनिंग कब से लागू हुई, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव ऑल पावर्स टू, यानी संघीय मामले में पुलिस को कौन कौन सी पावर हैं। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन का पावर है क्या पुलिस को। दूसरा है इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो दोस्तों संघीय मामले में पुलिस के लिए पावर होता है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी संघीय मामले दो होते हैं, एक संघीय मामले और एक असंघीय मामले। संघीय मामले में पुलिस बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन असंघीय मामले में मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए पड़ती है। नेक्स्ट है कंप्लेंट अंडर 2D कैन भी, यानी जो कंप्लेंट है सेक्शन 2D में उसका मतलब क्या है। तो कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है दोस्तों और रिटर्न भी हो सकती है। ये क्वेश्चन आता है प्री में कि कंप्लेंट कैसी होती है, तो ओरल भी और रिटर्न भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर CRPC, यानी जो CRPC है उसमें इनमें से कौन कौन से ऑफेंस को क्लासीफाई किया है। तो पहले नंबर पर यहाँ बताया गया है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस, दूसरे नंबर पर है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल केसेस, और तीसरे नंबर पर है समन केसेस एंड वारंट केसेस। तो दोस्तों संघीय मामले और असंघीय मामले, जमानती अजमानती मामले और समन मामले और वारंट मामले, इन सब के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कॉग्निजेबल संघीय मामले कौन हैं आपके, और जमानती अपराध कौन से हैं, समन मामले कौन हैं, वारंट मामले कौन हैं, तो ये हम देख चुके हैं। आप शेड्यूल फर्स्ट में जाइए तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्वायरी अंडर CRPC
कंडक्टेड बाय, यानी इंक्वायरी होती है सीआरपीसी में कौन कंडक्ट करता है, आपको ऑप्शन दे देंगे मजिस्ट्रेट करते हैं या पुलिस करते हैं, या आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो इंक्वायरी अंडर सीआरपीसी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 कम इनटू फोर्स ऑन, यानी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2013 ये कब से लागू हुआ, तो ये हुआ 3 फरवरी 2013 से। नेक्स्ट है पुलिस रिपोर्ट इज इंक्लूडेड इन कंप्लेंट, ट्रू और फाल्स, जो पुलिस रिपोर्ट है क्या वो कंप्लेंट में शामिल है। अभी देखा था हम लोगों ने कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी, तो कंप्लेंट में क्या पुलिस रिपोर्ट शामिल है, तो दोस्तों कंप्लेंट जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट में शामिल नहीं है, तो ये फाल्स होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड, सीआरपीसी में आपके 484 सेक्शन हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट हैं 50 से 100 सेक्शन, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि सीआरपीसी के 416 धारा, यानी धारा 416 सीआरपीसी में क्या है, धारा 151 सीआरपीसी में क्या है, धारा 110 सीआरपीसी में क्या है, यानी आप पूरी सीआरपीसी की धारा ना रटें लेकिन इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कहाँ बताए गए हैं, तो धारा 6 में, और सेशन न्यायालय धारा 9 में है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्योंकि आप जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो धारा 11 में क्वेश्चन आता है। और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आपको शक्ति दी जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, वो किस धारा के कौन से सब सेक्शन के थ्रू दी जाती है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी इस क्वेश्चन को काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो कहाँ बताए गए हैं, ये क्वेश्चन एमबीबीएससी के भी इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। तो फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट दंड, जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है धारा 6 में है, कोर्ट ऑफ सेशन धारा 9 में है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट धारा 11 में है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 20 में है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट 21 में है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आपके डीएम आ जाते हैं, एसडीएम आ जाते हैं, ये सब आपके धारा 8 और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, ये सब आपके धारा 20 में आते हैं। क्वेश्चन आता है कि कलेक्टर को जो आपके पावर दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, वो किस धारा के तहत दिए जाते हैं, तो इसी धारा के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाले पावर आपके धारा 20 में। इसके अलावा एमपीएलआरसी में कहाँ है कलेक्टर, ये क्वेश्चन आता है, तो धारा 16 में है। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी जो महानगर क्षेत्र है इसमें मिनिमम पॉपुलेशन कितनी चाहिए है, तो इसमें 1 मिलियन पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है, और राज्य सरकार की सहमति से मेट्रोपॉलिटन एरिया किसी भी शहर को घोषित किया जाता है। 1 मिलियन का दोस्तों मतलब होता है 10 लाख। नेक्स्ट आपको करेक्ट बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, यानी स्टेट राज्य सरकार के पास प्राधिकार है कि वो जिले में कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश कर सकती है। दूसरा है हाई कोर्ट अपॉइंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट, यानी जो जिले में सीजीएम अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास, तो दोनों ही राइट हैं। तीसरा है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, यानी जो पीठासीन अधिकारी होता है कोर्ट का, तो उसको जो नियुक्त करता है वो हाई कोर्ट करता है। सो देख लेते हैं, तो तीनों ऑप्शन राइट हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सीजीएम को हाई कोर्ट नियुक्त करता है, राज्य सरकार के पास पावर है कि वो जो सेशन कोर्ट है, सेशन एक जिले में एक सेशन कोर्ट की स्थापना करती है राज्य सरकार, और प्रोसीडिंग ऑफिसर यानी जो पीठासीन अधिकारी होता है कोर्ट का, वो हाई कोर्ट नियुक्त करता है। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन विच सेक्शन, यानी कहाँ पर प्रोविजन है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, तो ये प्रोविजन है 25A में, धारा 24 में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, धारा 25 में है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और धारा 25A में है आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्वेश्चन आता है 25A कब जोड़ा गया, जितने 25A हैं, जैसे ए बी जितने भी हैं, जैसे 41A है, 41B है, 41C है, 41D है, जितने ए बी सी डी वाले हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं, 357A वगैरह है, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, या आपको अच्छे से पढ़ना है। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ पर है, 25A में है। अब यहाँ पर लिखा है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सेल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, तो ये हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट बताना है, तो ये भी सेक्शन से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट, जैसे 41C में क्या है, 41C में क्या है, तो 41C में है कंट्रोल रूम एट द डिस्ट्रिक्ट, यानी जिले में कंट्रोल रूम, इसके अलावा राज्य स्तर पर भी ये कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है, तो 41C से कंट्रोल रूम। इसके अलावा 44 धारा 44 में क्या है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है। इसके अलावा धारा और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी कहाँ पर है, ये धारा 43 में, ये भी क्वेश्चन आता है। 103 में क्या है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, धारा 261 में है समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, यानी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 41C में क्या है, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट है, 44 में है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, 103 में क्या है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, और 261 में है समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट फाइन, यानी अधिकतम कारावास कौन कितना दे सकता है फाइन को छोड़कर। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, ये आपके एक साल तक का कारावास दे सकते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, ये आपके तीन साल तक का कारावास दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महानगर जो मजिस्ट्रेट हैं, ये आपके तीन साल तक का कारावास दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके सात वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं अधिकतम है, और असिस्टेंट सेशन जज आपका मैक्सिमम 10 साल तक का कारावास दे सकते हैं। और आपके जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं, सेशन जज और यहाँ पर आप कर लीजिए एडिशनल सेशन जज और एडिशनल सेशन जज आपकी डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं और आपकी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो डेथ पेनल्टी देते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, तो उन्हें सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी धारा 366 के तहत आप पढ़ेंगे, 366 पढ़िए, तो उसमें हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन जरूरी है। अगर एडिशनल सेशन जज, जो सेशन जज अगर डेथ पेनल्टी किसी को देते हैं यानी मृत्युदंड से अगर दंडित करते हैं, तो हाई कोर्ट की सहमति जरूरी है। और इसमें क्वेश्चन आता है कितने जज जरूरी हैं, कितने जज इसकी सहमति इसमें जरूरी है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एक साल और फिर तीन साल, और फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी तीन साल, और आपकी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल, और असिस्टेंट सेशन जज 10 साल। तो एक साल, तीन साल, 3 साल, 7 साल और 10 साल। और आपकी जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं, यहाँ पर ही एडिशनल सेशन जज है, तो सेशन जज जो एडिशनल सेशन जज आपका मृत्युदंड भी दे सकते हैं, आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जो मृत्युदंड वो देते हैं, तो उन्हें हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जुर्माना भी पूछा जाता है, तो जुर्माना आप जनरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं, और JMFC 10,000 तक। और इसके अलावा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए जुर्माने के लिए कोई ऐसी जो जुर्माने की रकम फिक्स नहीं है, यानी विधि द्वारा प्राधिकृत जुर्माना कितना भी वो लगा सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जो 37 चैप्टर हैं पूरे आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि समरी ट्रायल कौन से चैप्टर में है, प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर में है, और प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस किस चैप्टर में है। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पूछे जाते हैं। तो समरी ट्रायल कहाँ पर है, समरी ट्रायल चैप्टर 21 में है, और ये धारा 260 से लेकर 265 तक है समरी ट्रायल, और प्ली बार्गेनिंग है 265A से 265L तक। 21A चैप्टर है जो आपका ये प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है, और प्रोविजन एस टू बेल एंड बॉन्ड्स, तो जमानत से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ तक हैं, 436 धारा से 450 तक, और 33rd चैप्टर है जो 33 नंबर का, उसमें ये प्रोविजन है। इसके अलावा इरेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं, यानी अनियमित कार्रवाइयाँ, तो अनियमित कार्रवाई हैं धारा 460 से लेकर धारा 466 तक, ये चैप्टर है 35। इससे क्वेश्चन आता है धारा 460 से और धारा 461 से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, समरी ट्रायल चैप्टर 21 में है, प्ली बार्गेनिंग 21A में है, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स 33 में है, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स चैप्टर 35 में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो केस से रिलेटेड है। सीआरपीसी में दोस्तों आपको अच्छे से केस पढ़ना पड़ेंगे, केस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो 125 सीआरपीसी से रिलेटेड है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है, राइट। तो सबसे पहला है कि 125 सीआरपीसी है, ये केस रिलेटेड है मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो, यानी जो मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो केस है 125 दंड प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड है, तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। इसके अलावा एक केस और आपने पढ़ा होगा, सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है अरेस्टेड पर्सन राइट, यानी अरेस्टेड पर्सन राइट जो रिलेटेड हैं वो आपके डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये केस आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके अलावा ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, काफ़ी फेमस मामला है, FIR से रिलेटेड है। और इसके अलावा नेक्स्ट है बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, तो ये केस रिलेटेड है मोतीराम वर्सेज स्टेट ऑफ MP। सो दोस्तों ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। एक बार फिर से देखते हैं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो 125 दंड प्रक्रिया संहिता का मामला है, और डीके बसु वाला अरेस्ट से रिलेटेड है, और ललिता कुमारी वाला आपका FIR से रिलेटेड है, और बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, तो बेल एक नियम है और जेल एक अपवाद है, कहा गया था दोस्तों मोतीराम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इस क्वेश्चन काफ़ी आता है। नेक्स्ट है इस समन मस्ट बी, जो समन है वो कैसा होगा, तो समन दोस्तों राइटिंग में होगा, ये बिल्कुल राइट है, डुप्लीकेट होगा, ये भी बिल्कुल राइट है, एंड दो प्रतियों में होगा, समन लिखित होगा, दो प्रतियों में होगा। अभी और देखते हैं क्या है, तो साइंड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी जो पीठासीन अधिकारी और द्वारा कोर्ट के द्वारा ये साइंड होगा, और सील भी इसमें होगी, अदर और अदर ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, तो ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों इसमें राइट है, यानी ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो समन है वो राइटिंग में होता है, डुप्लीकेट होता है। क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि समन में और वारंट में क्या अंतर है, तो जो वारंट है वो दो प्रतियों में नहीं होता है, वारंट भी आपका राइटिंग में होता है। What is the time limit prescribed within which claims and objections to attachment to be made under CRPC? यानी
जो कुर्की है सीआरपीसी के तहत, उसमें आपको दावे या आपत्ति हैं, यानी जो किसी व्यक्ति की फरार है कोई व्यक्ति, उद्घोषणा के बाद उसकी कुर्की की जा रही है, तो उसमें अगर आपका हित है और आपकी भी कुर्की हो गई है आपकी मतलब हित की, तो आप कब तक इसमें दावे या आपत्ति कर सकते हैं, तो इसमें आप 6 माह तक आप इसमें कुर्की के बारे में दावे या आपत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड्स ऑन अपीयरेंस विथिन। यानी इसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 माह वाला और 2 साल वाला, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका आता भी है प्री में और कई बार ये रिपीट होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको आंसर कर आते हैं गलत, तो आप इसको अच्छे से समझिए। इसमें ये है, प्रोक्लेम्ड पर्सन है यानी जिस व्यक्ति के लिए फरार उद्घोषणा वगैरह हुई सब हुई, और वो बाद में आ जाता है, तो उसकी आपकी जो कुर्की है उसके लिए वो जो उसको कब दे दी जाएगी जो उसकी कुर्की हुई, तो इसके लिए 2 साल है, तो जो 6 माह है ये किसी दूसरे व्यक्ति का उसमें हित है कुर्की में, राइट, तो ये 6 माह है और यहाँ पर आपका 2 साल है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन इज रिलेटेड एनोलॉगस टू रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस, यानी कौन सी धारा है सीआरपीसी की जो हैबियस कॉर्पस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये आपकी धारा 97 धारा 90 यानी सेक्शन 97 इज रिलेटेड टू रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेट असाइड फॉर फीचर अंडर सेक्शन 95 सीआरपीसी एप्लीकेशन में भी गिवन टू, यानी अपास कराने के लिए जो धारा 95 के तहत एप्लीकेशन किसके लिए यहाँ पर लगाई जाएगी, तो ये हाई कोर्ट के तहत लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, हु कैन इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, यानी पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी से अगर आप, हु कैन इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, यानी पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी से रिलेटेड आपको सर्च वारंट जारी करना है, तो कौन कर सकता है, तो डीएम और सीजीएम। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजीएम का मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डीएम एक प्रकार के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और धारा 20 कहती है दंड प्रक्रिया संहिता में कि एक राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक डीएम नियुक्त करेगी। नेक्स्ट है, 106 सीआरपीसी एंड 110 सीआरपीसी मैक्सिमम सिक्योरिटी, यानी जो इसमें कितनी सिक्योरिटी है, तो इसमें जो बॉन्ड भरा जाता है 106 सीआरपीसी में और 110 सीआरपीसी में 3 साल है, 106 से लेकर 110 तक आपका एक क्वेश्चन आता है प्री में, संभावना अधिक रहती है, तो 106 सीआरपीसी और 110 सीआरपीसी इनमें 3-3 साल के लिए बॉन्ड है, और 106 सीआरपीसी में आपके मतलब कौन कौन इसके लिए, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके लिए बॉन्ड लेते हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये क्वेश्चन भी आता है, तो 106 सीआरपीसी और 110 में 3-3 साल है, जबकि 107 108 और 109 सीआरपीसी में 1-1 साल के, 1 साल है जो मैक्सिमम इसके लिए बॉन्ड लिमिट है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, आप लोग सब्सक्राइब काफ़ी कम कर रहे हैं, तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना है, और आपको स्टडी 16 को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फोन पे कर सकते हैं मिनिमम 21 रुपीज़, और फोन पे का नंबर है 7440895067, तो इस नंबर पर आप फोन पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टडी 16 से कुछ गाइडेंस चाहते हैं, स्टडी 16 को अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो आप 6265 56 6810 ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग अगर आप चाहते हैं सीआरपीसी वगैरह की पर्सनली, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो इसके अलावा आपको सपोर्ट इसलिए करना है, अभी आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, रीज़न है कि आपको बताना है कि क्या इसी टाइप के क्वेश्चन एविडेंस वगैरह के भी देखे जाएँ कि नहीं, क्योंकि अपन लोगों ने अभी इस पर स्टडी 16 पर लॉ की काफ़ी कम वीडियो हैं, तो इस टाइप से अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और वीडियो भी आएंगी आईपीसी की भी सीआरपीसी की। अभी हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हम लोग आप सपोर्ट करेंगे तो इसमें सीआरपीसी को हम लोग पूरा इसमें पढ़ सकते हैं, 100 क्वेश्चन भी देख सकते हैं सीआरपीसी के, 200 क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार देखे थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड कि एंटीसिपेटरी बेल को कहाँ बताया गया है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कहाँ बताई गई है, और कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट कहाँ पर है, और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत, ये धारा 438 में है। अग्रिम जमानत कहाँ से ली जाती है, एक कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा हाई कोर्ट, इनके पास एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड पावर है। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कहाँ बताया गया है, धारा 272 में। कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट 190 सीआरपीसी, और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ये है धारा 110 में। और इसमें कितने साल का बॉन्ड है, धारा 110 में 3 साल है, धारा 106 में भी 3 साल है और 110 में भी 3 साल है, 107 8 और 9 इसमें 1 साल है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी 125 एविडेंस सेल बी रिकॉर्डेड, धारा यानी जो सीआरपीसी की 125 में जो कार्रवाई होती है उसमें जो एविडेंस है वो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आपके समन मामले जैसे आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो सीआरपीसी 125 है इसमें जेएमएफसी को पावर है, राइट,
ए वूमेन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, तो इसमें बताना है कौन सी वूमेन है जो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती सीआरपीसी के तहत 125 के तहत। तो फर्स्ट है एप्सिलेविंग एंड एडल्ट्री, यानी अगर वो जारता में रह रही है। एडल्ट्री को कहाँ बताया गया, ये क्वेश्चन आता है। एडल्ट्री 497 में है। अभी क्वेश्चन उससे काफ़ी पूछा जा रहा है, एक केस पूछा जा रहा है जोसेफ साइनवाला, जोसेफ साइनवाला से यूनियन ऑफ इंडिया, और एक लिली थॉमस द्वारा पहले पूछा जाता था, और अब पूछा जा रहा है इसमें कि जो एडल्ट्री है इसमें मैक्सिमम यानी जो इसमें पनिशमेंट कितनी है। ऑप्शन दे देते हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है इफ सी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड विदाउट एनी रीजन है यहाँ पर दोस्तों, यानी अगर वो जारता में रह रही है पहला ऑप्शन है। दूसरा अगर वो बिना किसी कारण से, या इफ सी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड विदाउट एनी रीजन, अगर वो किसी बिना किसी कारण के हस्बैंड से अलग रह रही है। तीसरा है सी लिव्स सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी अगर वो कंसेंट म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रह रही है। या चौथा है ऑल ऑफ द अबव, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं फिर से, ए वूमेन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, यानी वो वूमेन महिला मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अगर वो जारता में रह रही है, अगर वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है, अगर वो कंसेंट से अलग रह रही है यानी सहमति से अलग रह रही है, तो इन तीनों मामलों में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसके अलावा 125 में पावर है जेएमएफसी को, और मंथली पेमेंट मेंटेनेंस के लिए कोई लिमिट सेट नहीं है। पहले ये लिमिट थी, ये क्वेश्चन आता है कि कब ये लिमिट हटाई गई, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। फर्स्ट है नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी इनफोर्स मोर देन 2 मंथ, यानी धारा 144 के तहत 2 माह से ज़्यादा आपका जो ऑर्डर है वो जारी नहीं रहेगा। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट बट एक्सटेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको 6 माह तक के लिए बढ़ा सकती है। धारा 144 आप लोग काफ़ी सुनते हैं कि धारा 144 लग गई। नेक्स्ट है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर्स फॉल्स अंडर सीआरपीसी, और चौथा है एफआईआर कैन बी फाइल्ड अंडर 154 सीआरपीसी, यानी जो एफआईआर है 154 सीआरपीसी के अंडर में फाइल होती है। तो दोस्तों ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेटमेंट, तो जो धारा 144 है जनरली 2 महीने के लिए लगाई जाती है। कौन लगाते हैं, या तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी अगर राज्य सरकार उन्हें सशक्त करती है तो कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी 144 धारा लगा सकते हैं, लेकिन जनरली डीएम और एसडीएम। तो कितने जनरली लगती है 2 माह के लिए, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसे 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। तीसरा है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, यानी जो अर्जेंट मामले हैं न्यूसेंस के तो या खतरे के, तो उनमें धारा 144 लगाई जाती है। ये कथन बिल्कुल राइट है। और एफआईआर जो फाइल्ड होती है धारा 154 आपकी सीआरपीसी में फाइल्ड होती है। नेक्स्ट है इसके बाद इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट द एविडेंस, यानी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है 2H में, अभी देखा था क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट द एविडेंस, यानी अन्वेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो साक्ष्य को एकत्रित करना है, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा है रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन पुट टू ए विटनेस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीजी इज ऑफेंस अंडर 179 आईपीसी, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा है एन जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, यानी यहाँ पर लिखा है एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो 164 की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। चौथा है मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस रिमांड ऑफ एन एक्यूज्ड 15 डेज, तो मैक्सिमम जो पुलिस रिमांड है वो 15 दिन तक की हो सकती है, जिसे कहते हैं पीसी या पुलिस कस्टडी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दोस्तों आपकी पुलिस कस्टडी दे सकते हैं पुलिस रिमांड, लेकिन वो 7 दिन से अधिक की नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से, तो केस डायरी कहाँ पर है, सेक्शन 172 में है। एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिमांड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन की पुलिस रिमांड दे सकते हैं अधिकतम, ये भी राइट है। तीसरा है सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 सीआरपीसी डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो दोस्तों ये भी राइट है। और इसके बाद नेक्स्ट है एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 216 सीआरपीसी, और नेक्स्ट है कोर्ट कैन फ्रेम द चार्ज अंडर सीआरपीसी, दोस्तों ऑल द स्टेटमेंट इज राइट। नाउ नेक्स्ट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनहेरेंट पावर कहाँ पर है, यानी इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड है। इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कहाँ पर है, धारा 482 में है। दोस्तों इनहेरेंट पावर का मतलब होता है अंतर्निहित शक्ति, तो हाई कोर्ट को जो अंतर्निहित शक्ति है सीआरपीसी में कहाँ पर है, धारा 482 में। क्वेश्चन आता है कि अंतर्निहित शक्ति क्या होती है, मैं इसमें पूछ लेते हैं, तो अंतर्निहित शक्ति है ये आपकी सीपीसी में भी है और आपके एमपीएलआरसी में भी है। सीपीसी में है आपके 151 में और एमपीएलआरसी में है सेक्शन 32 में, तो 482 में कहाँ सीआरपीसी, सीपीसी में कहाँ पर है, सीपीसी में 151 में है, और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में धारा 32 आप पढ़िए वहाँ पर इनहेरेंट पावर है।
नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये धारा 416 में है और रेफरेंस टू हाई कोर्ट 395 में है। सेशन जज को पावर है रिवीजन की धारा 399 में और हाई कोर्ट को पावर है रिवीजन की 401 में। तो इन ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो इनहेरेंट पावर न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति कहाँ पर है, 482 में, और मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना धारा 416 में है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट धारा 395 में है, सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन सेक्शन 399 में है और हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन सेक्शन 401 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवार्डेबल इन समरी ट्रायल इज, यानी समरी ट्रायल होती है जो 260 से 265 तक चैप्टर 21, तो उसमें अधिकतम कारावास कितना दिया जाता है, तो दोस्तों उसमें अधिकतम कारावास 3 मंथ तक का दिया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है राइट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट है एक्यूज्ड कैन मूव द कोर्ट फॉर प्ली बार्गेनिंग, तो एक्यूज्ड कोर्ट के पास मूव करता है प्ली बार्गेनिंग के लिए। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट इज अथॉरिटी डिटरमाइंस द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 320 CRPC राइट है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्टी इज कंटेंड अंडर सेक्शन 300 ऑफ CRPC, तो ये भी राइट है। दोस्तों डबल जीओ पार्टी आपके संविधान में भी है, कहाँ पर है डबल जीओ पार्टी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है बेस्ट सेक्शन प्रोवाइडेड एक्यूज पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, तो एक्यूज पर्सन भी कॉम्पिटेंट विटनेस यानी सक्षम साक्षी होगा 315 CRPC। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन इन फेवर ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स, तो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस मामला था। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू साइन अ कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, तो इसमें 2 जजेस मिनिमम रिक्वायर्ड रहते हैं। अंडर CRPC रेफरेंस कैन बी मेड टू CRPC के तहत रेफरेंस या निर्देश किसके पास जाते हैं, तो हाई कोर्ट के पास। पावर टू रिमिट सेंटेंस कैन बी एक्सरसाइज बाय, यानी पावर टू रिमिट सेंटेंस किसके पास, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार। नेक्स्ट है पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल कैन बी एक्सरसाइज बाय, यानी जो अग्रिम जमानत हैं, तो इस अग्रिम जमानत के जो अधिकार हैं जो किसके पास हैं, यानी अग्रिम जमानत कौन दे सकता है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अग्रिम जमानत दे सकते हैं। पीरियड फॉर लिमिटेशन फॉर ऑफेंसेस पनिसिबल विद टर्म 2 years एज पर सेक्शन 468 एज, तो अगर जो कारावास है वो 2 साल तक के लिए दंडनीय है, तो उसमें लिमिटेशन पीरियड मिनिमम कितना है, तो इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है दोस्तों मैक्सिमम है सॉरी ये 3 साल तक का है। नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिसिबल विद फाइन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी द पीरियड ऑफ, यानी कोई मामला है जो आपका सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, तो उसमें आप 6 महीने के अंदर आपको दोस्तों केस लाना पड़ेगा, तो यही इसमें बताया गया है, तो आपको 6 महीने तक लाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेइंग ऑफ ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कहाँ डिफाइन है 2H में। दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये केस किससे रिलेटेड है, हैंगिंग एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन से। वैन में या कोर्ट अल्टर और एड चार्ज, कोर्ट कब चार्ज को अल्टर और ऐड कर सकती है, तो बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। नेक्स्ट है इन हुज लैंग्वेज आर चार्ज सेल बी रिटर्न, चार्ज किसकी लैंग्वेज में होंगे, तो न्यायालय की भाषा में होते हैं। ए पेटी ऑफेंस मीन्स इन ऑफेंस दैट इज पनिसिबल, यानी छोटे अपराध कौन से होते हैं जो आपके जुर्माने से दंडनीय हों 1,000 से कम तक के। हु इज ऑथराइज टू अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है कौन नियुक्त करती है, राज्य सरकार। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए स्पेशल एक सेक्शन है धारा 20 है। हु हैज पावर टू अपॉइंट ए पी पी इन हाई कोर्ट, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का आप शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए, तो हु हैज द पावर टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 109 CRPC में जो बॉन्ड भरा जाता है कितने वर्ष के लिए, तो आपको अभी बताया था कि 107 108 और 109 में जो बॉन्ड होता है 1 साल के लिए होता है, जबकि 106 और 110 में बॉन्ड होता है 3 साल के लिए। ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ बताया गया है, तो 225 से लेकर 237 में बताया गया है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एज, तो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है 161 में, तो क्या है दोस्तों, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।